हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये जिस बुक से मैं आपको करा रही हूँ, ये थर्ड क्लास की बुक है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है और उसका जितना भी कंट्रोल होता है, यानी उसका हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का और कंप्यूटर की मेमोरी को ये कंट्रोल करती है, यानी एक तरीके से मैनेज करती है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यानी कंप्यूटर को एक तरीके से ये ऑपरेट करता है, यानी चलाता है, उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा GUI और दूसरा होता है CUI। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI होती है करेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये इसमें कई तरीके से मेनू और आइकन्स होते हैं, जिससे कंप्यूटर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा है फ्रेंड CUI, इसका मतलब है करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये केवल कमांड बेस्ड सिस्टम होता है और इसको जो यूज़र होता है वो ऑपरेट कर सकता है सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ वेरियस कमांड्स, बहुत सी कमांड्स के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकता है। अब बात करते हैं विंडोज 7। विंडोज 7 क्या होता है? विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। ये बहुत ही ईजी होता है, और जो विंडोज 7 है उसमें क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसका मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड, तुम आपको सारे कमांड्स याद करने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ अ GUI, मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय द क्लिक ऑफ अ माउस। जैसा इसमें विंडोज 7 में क्या है, GUI सिस्टम है, तो इसमें आप माउस के क्लिक करने पर ही आप सारे अपना वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट अलाउज़ यू टू रन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। आप एक समय में कई सारे प्रोग्राम इसमें रन कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी होता है सीखने के लिए और समझने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को पता है बिल गेट्स का है। अब ये जो आपका विंडोज 7 है, इसमें डेस्कटॉप होता है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा डेस्कटॉप है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और अब इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी कंपोनेंट्स को हम हिंदी में तत्व बोलते हैं, कि क्या क्या तत्व होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डेस्कटॉप। और इसकी ये देखें, पीछे आप कोई भी इसकी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कार्टून के बैकग्राउंड है, यहाँ पर लीव्स दे रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बैकग्राउंड में अपनी कोई इमेज भी आप लगा सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेकेंड है आइकन्स। आइकन्स बोलते हैं बेसिकली, ये देखिए इसको, ये जो साइड में दिए होते हैं, ये सब होते हैं हमारे आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, एक तरीके से जैसे हम अपने मोबाइल में छोटे छोटे डाल लेते हैं बाहर, कि ये व्हाट्सएप है, ये फेसबुक है, इन चीज़ों को हम डाल लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर में छोटे छोटे आइकन हमारे डले होते हैं, जिसे हम यहीं से अपना कोई वर्क शुरू कर सकते हैं, अंदर हमें खोलने की ज़रूरत इसे नहीं पड़ती है। दूसरा होता है, ये होती है हमारी टास्क बार। टास्क बार का मतलब है जहाँ पे आप टास्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो बार। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, इसी को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंड भी हो जाएगा, स्विच ऑफ करना है आपको कंप्यूटर, और यहाँ से स्टार्ट भी होता है। और ये जो टास्क बार है, इसमें कई सारे आइकन आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे आइकन रखे हुए हैं। आप मान लीजिए कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप ही अपना चलाया है, तब अगर WhatsApp को मुझे इस समय नहीं देखना है तो मैं उसे मिनिमाइज़ करके छोटा कर दूंगी। जब मिनिमाइज़ करूंगी तो WhatsApp का एक निशान इस टास्क बार पर आ जाएगा। उसी तरह अगर मुझे अब इस समय मुझे WhatsApp नहीं देखना, इस समय मुझे Chrome देखना है, तो मैं यहीं पर क्लिक करूंगी, जो Chrome पर इससे पहले मैंने वर्क किया होगा वो डायरेक्ट वही पेज मेरे सामने खुल के आ जाएगा। अब दोबारा मैं चाहती हूँ कि WhatsApp चले, तो मैं फिर यहीं पर क्लिक करूंगी और वही पेज WhatsApp का मेरे सामने आ जाएगा। तो टास्क बार का मेन काम यही होता है। आइकन आप समझ गए हैं। आइकन क्या होता है, छोटे छोटे जो हम एक तरीके से आइकन्स बना लेते हैं उसे हम आइकन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका टास्क बार। मैंने आपको बता दिया टास्क बार में स्टार्ट बटन, क्लॉक, ओपन प्रोग्राम, ये सब होते हैं। और आप जो बैकग्राउंड होती है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं।
जैसे आप पीछे की ऐसे बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, अपनी भी इमेज डाल सकते हैं, कोई कार्टून की इमेज डाल सकते हैं, आप कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसका जो डेस्कटॉप के आइकन्स होते हैं, जो अभी आपको मैंने ये आइकन दिखाए थे, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, यानी छुपा भी सकते हैं। एक ये देखिए मेन चीज़ होती है सेटिंग द स्क्रीन सेवर। सेटिंग द स्क्रीन सेवर का मतलब है कि जब हम बहुत देर तक कंप्यूटर पे कोई वर्क करते हैं, फिर ऐसा होता है कि हम किसी और काम में बिजी हो जाते हैं या कुछ नोट करने लगते हैं, तो कंप्यूटर क्या होता है ऐसे ही चलता रहता है। अगर हम उसमें स्क्रीन सेवर लगा दें कि 10 मिनट या 5 मिनट के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाए, तो उसे हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कंप्यूटर बंद हो गया, ये काम आपने जो करा था वो सारा ख़त्म हो गया। जैसे आप माउस को थोड़ा बहुत हिलाएंगे तब वो स्क्रीन फिर से वापस आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेटिंग द स्क्रीन सेवर। सो फ्रेंड्स, यही था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।